तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थिरुमलाई केमिकल्स के स्टॉक के बारे में। थिरुमलाई केमिकल्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आज अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.27% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है क्योंकि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर स्टॉक में अभी रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 207 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 221, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 233, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 243, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 260 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 275 और 300 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में 201 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 195 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 188 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।